दरियाबंद में जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन और मास्क वितरण करने के लिए दी गई राशि जबरदस्त तरीके से बंदरबांट की शिकार हो रही है। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन और मास्क वितरण के लिए पंचायत सचिव को राशि मिलनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी एक युग सुपरमार्केट नामक प्रतिष्ठान के मालिक जो कि नगर के वार्ड पार्षद भी हैं से ग्राम पंचायत के सचिवों के सीधे तौर पर राशन की थैलियां और मास्क भिजवा रहे हैं, जिसमें थैलियों में सामग्रियां नाम मात्र की ही रहती हैं। आपने वो सामान ले लिया उनसे? हाँ, ले लिया। वितरण भी कर दिया सामान? कितने का है सामान सर? उसमें था अपना 50 रुपये। क्या क्या सामग्री था उसमें? था अपना आलू, प्याज, सोयाबीन, बेरी, शक्कर, साबुन, निरमा और तेल। में कोई अधिकारी का कोई निर्देश नहीं है, ना जनपद स्तर से कोई उसका आदेश नहीं है। वो जो वितरण कर रहे हैं उसको बकायदा सभी पंचायतों को निर्देश प्राप्त कर दिए हैं कि जैसे किसी भी प्रकार के सामान वितरण न करें। जो जरूरी चीज़ है कोरोना के संबंध में वही चीज़ उपयोग कर सकते हैं, बाकी नशा कोई हितग्राही को कोई सामान वितरण करने का निर्देश नहीं है और उसका भुगतान नहीं किया जाए। सुकमा जिले में 5